कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन हुआ। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विजय चौक तक मार्च निकाला। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आज हम मीडिया के लिए आवाज़ उठाने आए हैं, क्योंकि विपक्ष को संसद में बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने कहा, संसदीय सत्र समाप्त हो गया है। देश की 7% जनता के लिए कोई संसदीय सत्र नहीं हो रहा है। 60% लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और कल राज्यसभा में उन्हें प्रताड़ित भी किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, कल देश के इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उन्हें पीटा गया है। ये और कुछ नहीं है बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उनसे राज्यसभा सदस्यों के उत्पीड़न की शिकायत की है। संसद का मानसून सत्र चल रहा था, जिसमें विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और सरकार ने विपक्ष को बोलने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से आज पूरा विपक्ष मार्च निकाला और उसमें जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। क्योंकि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान आंदोलन लगातार जारी है, जासूसी कांड हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।